रहमान मैं हूं सबिका आजमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाजीन पंडोरा पेपर्स अभी सामने आने वाले हैं आप जैसा कि पूरी दुनिया में ये लोग बड़ी हैवी किस्म की इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं मशहूरी कर रहे हैं हर जबान में कर रहे हैं हर जगह पर इस वक्त यही नाम छाया हुआ है अब इसमें इमरान खान साहब उनके करीबी साथियों को किस तरह खतरा है ये बैन अलावा साजिश कौन सी बड़ी तलवार अब पाकिस्तान के ऊपर लटकाने जा रही है इसकी वजह क्या है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी उनसठ सेकंड की एक वीडियो आप देखें पहले जिसमें क्या कहा गया इमरान खान साहब ने उसके बाद फिर तफसील से बात करते बिकॉज ऑफ द प्लंडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड बाई देर करप्ट रूलिंग एलिट्स द गैप बिटवीन द रिच एंड द पोर कंट्रीज इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग स्पीड Through this platform, I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. The Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency, and integrity, called the Facti Panel, has calculated that a staggering $7 trillion in stolen assets are parked in financial haven destinations.

इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका समेत लातीनी अमरीका अफ्रीका वह तमाम ममालिक जहाँ से कुछ या तो माधनी वसायल निकल रहे हैं या वहाँ की गरीब आवाम के पैसे करप्ट करप्टरान इस इन ममालिक से लूट मार करके स्विट्जरलैंड के बैंकों में पानामा के बैंकों में मिडल ईस्ट के बैंकों में भर रहे हैं अब इस तफतीशी एजेंसी को पानामा मुल्क ने यह दरख्वास्त भी की कि आप ये एक करोड़ बीस लाख कागजात पब्लिश मत करें क्योंकि इनसे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है इससे पहले भी हम बदनाम हो चुके हैं यह पानामा मुल्क ने आईसीआईजे से कहा और हालांकि बहुत से आपको पता है सहाफियों के इन जिन्होंने माली मामला निकाले इन ममालिक और पाकिस्तान जैसे मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत भी गई फिर वहां सहाफियों को कार बम धमाकों में किसी के ऊपर हमला हुआ किसी कोई कहानियां बनी लेकिन असल स्टोरी इमरान खान ने जो अकोम मुतहदा में ललकार कर ताकतवर मुल्कों को कहा कि आपकी इसकी बड़ी वजह यही है कि उन्होंने जब अमेरिका बरतानिया फ्रांस जर्मनी यूरोप के उन तमाम ममालिक से कहा कि आप लोग एफ ए टी एफ पर हमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबक सिखाते हैं ख़ुद आपने गरीब ममालिक से लूटा हुआ माल और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो स्विट्ज़रलैंड और आपके बैंकों में पड़ा हुआ है पनामा के बैंकों में जमा माल है और आप जानते हैं कि इन का या तो आप पैसा वापस करें क्योंकि उनकी इकानमी तबाह तो बर्बाद हो रही है और ये रकम कोई छोटी रकम नहीं है ये रकम सात खरब डॉलर है छह अरब पाकिस्तान आईएमएफ से लेने के लिए कितना आपको पता है क्या क्या करता रहा अब आप खुद अंदाजा करें कि तमाम कितनी सख्त परेशानी में कि सात खरब डॉलर निकालना पड़े तो इमरान खान के अलावा दुनिया के किसी बड़े लीडर ने इस, इस तरफ नहीं दिलाई अब चूंकि इमरान खान ने यह बात अतहद के फ्लोर पर कर दी पूरी दुनिया ने सुन ली और आप ये भी याद रखें रिकॉर्ड पे है आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं तकरीर सबसे ज्यादा देखी सुनी गई तो इस वक्त इमरान खान मगरब के लिए एक शदीद नापसंदीदा शख्सियत है पाकिस्तान पहले से अफगानिस्तान के मामला में दबाव पर है निशाने पर है अब एक और बहुत बड़ा मसला इन्होंने खड़ा कर दिया कि जहां एक तरफ आपको पता है अमरीका के पाकिस्तान के खिलाफ 22 सैनिटर एक करारदादा पेश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान पर मुशी पाबंदियाँ लग जाएँ क्योंकि पंजशीर इनके अभी तक दिमाग से निकल नहीं रहा ये पाकिस्तान पर वो तलवार लटका रहे हैं बाल से बांध कर कि अब इनके ऊपर को कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल कोई ना कोई करप्शन का केस ऐसा बना दिया जाए पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान पर उनके करीबी दोस्तों पर उन्हें इस तरह के मामला में मुलविस कर दिया जाए उनकी शख्सियत उनके साथी या उनके रिश्तेदार करप्शन के किसी जुमरे में ले आए ये बिल्कुल उसी तरह है याद रखें कि जिस तरह उस्मान बुजदार देखें जब वजी अला बना तो उसकी शख्सियत को पहले दिन से निशाना बना लिया गया अब वो चाहे लाहौर को पेरस भी बना दे तो लोग नहीं मानेंगे इमरान खान ने ये जो इंतहाई अहम बात वजीर अजम ने अकोम मुतहदा के सदर को कहा और ये देखें ये फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट थी ये कोई वैसे हवा में बात नहीं थी फैक्ट आई पैनल ने बड़ी रिसर्च के बाद ये सारी रकम दुनिया जहान के जो करप्ट लोग हैं उनसे ढूंढ के निकाली और ये बात बताई कि गरीब ममालिक से लूटी हुई रकम है आप देखें इनके फ्लैट नाइजेरिया में आप बड़े बड़े गरीब देख लें जो अशराफिया है ये किस तरह ये माल निकल लेकर निकल गए और वहां पर अब इन मालिक में इन्हें पनाह मिली हुई है अब इस खिताब के बिल्कुल ठीक एक हफ्ते के बाद अब पेंडोरा पेपर्स आने वाले हैं अब इसमें करप्ट अशराफिया को बेनकाब किया जाएगा मतलब देखें एक करोड़ बीस लाख पेपर्स हैं सिविल भी लोग होंगे मिलिट्री के भी होंगे ब्यूरोसी के भी होंगे सबका मौजूदा सियासदान जर्नेल जजेस बिजनेसमैन मुख्तलिफा जिंदगी से तल्लक रखने वाले सहाफ़ी भी होंगे ये सब अफराद इसमें अब शामिल होंगे क्योंकि एक करोड़ उन्नीस लाख पेपर है और इनकी वेबसाइट पर पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिखा हुआ है अब ये पेपर्स हक पर मबनी होंगे मगर दुनिया के ममालिकेपर्स को अपने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे अब पाकिस्तान में आप देख लें मिसाल के तौर पर एक मीडिया चैनल जो कि खबर पहले से जमान पार्क टू की पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ एक और चैनल जियो इन हक को किस तरह तोड़ मोड़ कर अपने मफादा के लिए बयान कर रहा है इनके जो तबसरे तजिये इल्जाम तकरार बहस मवैसी शुरू होंगे उनका रुख अपने एंगल से होगा जबकि दूसरे चैनल दूसरे जो लेफ्ट एंग के लोग हैं उनका अपना होगा इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लोगों के नाम आएंगे गुलाम सरवर जैसे हैं फैसल वाडा है जहांगीर तरीन है नदीम बाबर है रजाक दाऊद है इन सब लोगों के नाम है कुछ इमरान खान के करीबी रिश्तेदारों के नाम भी आ सकते हैं आप देखेंगे अब चूंकि पाकिस्तान में अपोजिशन का तो सबको इस वक्त तकरीबन पता है मियाँ नवाशीफ साहब की और जरदारी साहब की तो लाजवाल करप्शन की गजब दास्तान है बच्चे बच्चे को पाकिस्तान के पता है तो उनकी बातें तो मेरे ख्याल में इस मरतबा स्विट्जरलैंड की जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं उनमें शायद लोगों को इतनी इंटरेस्टेड ना लगें आफ्ताब अहमद शेर पाओ जैसे लोग भी मजीद बेनकाब होंगे लेकिन अब जो जिन पर टारगेट रखा जाएगा ताकि प्रेशर डिवेलप किया जाए और आप याद रखें कि पानामा बड़ा छोटा सा केस था जिसे इमरान खान ने टेक ओवर किया और इसका नतीजा पाकिस्तान के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब उन्हें वजारत उजमा से हाथ धोने पड़े और मुल्क से भागना पड़ा इस केस को आप छोटा ना लें लाइट ना लें अब इमरान खान की घड़ी पर भी बात होगी इमरान खान के जूतों पर भी बात होगी मकसद इमरान खान टारगेट नहीं मकसद पाकिस्तान टारगेट एक मरतबा फिर होगा और उसकी बड़ी सामने सम, सामने जो वाज वजह में नजर आ रही है कि जिस तरह पाकिस्तान ने मगरब के साथ जो किया देखें आपने एक जगह पर 20 साल लगाए हों आपने खरबों डॉलर अपने लगाए हों आपके लोग वहां पर मरे हों और अब आप वहां से निकल जाए और आपके लोग आपसे सवाल पूछे हुआ क्या है तो अब आप, आप उनको बता ना सके कि हमारे साथ क्या हुआ है तो जाहिर है फिर अब आपने किसी ना किसी को यह अमरीका का एक पुराना सिस्टम है माजी में आप देख लें कि जिस मुल्क के साथ उनकी नहीं बनी जिस हुक्मरान के साथ उनकी नहीं बनी जिस हुक्मरान ने उनके साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश की उन्होंने हमेशा उसको फिर एक इबरत का निशान बनाने की कोशिश की आप माजी में सारे अपने लीडरान देख लें पाकिस्तान के एक एक कारको नाम आपको मैं गिना सकता हूँ पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक उनके साथ क्या हुआ तो ये अब मामला किस तरफ जाएगा जल्द ही जब आप ये पंडोरा पेपर्स इनका पंडोरा इनकी पटारी खुलेगी तो उसमें से जो कुछ निकलेगा वो आप देखेंगे इन शह फिर उस पर मज़ीद जो है वो बात मैं अगले प्रोग्राम में करूँगा इसका मैं फॉलोअप आपको देता रहूँगा मैं इस प्रो इस टॉपिक के साथ टच हूँ और इसकी जो तफ्तीश है अपने अंदाज़ में हम लोग भी कर रहे हैं और उनके जो हक हैं वो आप तक इनशाला पहुँचाते रहेंगे अपना खास ख्याल रखें अगली वीडियो तक लिए मुझे इजाज़ दें्ला हाफ